अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे मनीष भाई, जय श्री कृष्ण, केम छो? जय श्री कृष्ण, कैसे हैं दंगल भाई? जो ने चाले छे सर। अरे क्या चले बता? तरफो एक बचपन में जो नानू ने आपको गिफ्ट दिया था ना, वो कहानी सुनाई ना विशाल को, वो सुननी है। सुनाई ना तरफो। इसी बहाने से आपके और पापा के बचपन की यादें भी ताजा हो जाएंगी। अच्छा चलो सुनाती हूँ। तुम्हारा नाना जब तुम्हारे जितना छोटा था ना, तो उसने मेरे लिए एक मिट्टी की कूलर बनाई थी रक्षाबंधन के दिन भेंट देने के लिए, और वो कूलर रख दी जाके छत पे सुखाने के लिए। लेकिन उस रात बहुत जोरों से बारिश हुई। क्या हुआ? कूलर जो थी वो गल गई, पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई। बस तुम्हारा नाना रोने लगा, मेरी कूलर। और आपने पापा को चुप कराने के लिए एक रक्षाबंधन वाला गाना गाया था, राइट? तरुफ़ई, आज भी वो गाना सुना दो ना। अरे तू भी क्या, प्लीज। अच्छा सुनाती हूँ। कौन हलावे लिमड़ी ने, कौन झुलावे पिपड़ी, भाई नी बेनी लड़की ने, भाई लो झुलावे डाड़की। माँ, मुंगी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो अपने कमरे में, उसे वहीं रहने दो। अगर वो यहाँ आएगी तो फिर से बीन में उसे कुछ कहेगी और उसे बुरा लगेगा। लेकिन माँ, वो इसी घर की सदस्य है, उसे यहाँ होना चाहिए ना। मैं लाती हूँ उसे, ठीक है? मुंगी, मुंगी, मुंगी यहाँ नहीं है, कहाँ गई होगी? ले, बच्चा गिराने की सारी तैयारी तो कर ली मैं, फिर भी एक बार आखिरी बार बोलती हूँ, ये बच्चा गिराना तेरी जान पे खेलने के बराबर है। मुझे अपनी जान से ज्यादा उन लोगों की परवाह है जो मुझसे प्यार करते हैं। माफ कर देना, दूसरा कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। आओ आओ आओ। अरे शुभ मोटी बहन, सब पूरा नहीं बात बता दिए हैं सबको। बैठो बैठो साहब, बैठो। माँ, मुंगी अपने कमरे में नहीं है, पूरे घर में भी कहीं नहीं है। पता नहीं आप कहाँ गई है वो। क्या ऐसे बिना बताए फिर से कहाँ चली गई? पता नहीं। भूली गया क्या? धक्के मार के निकाला था ना तुझे बाहर, और इशू लेवा आवे से। इस बात का जवाब मैं नहीं। मुंगी तो कहाँ गई थी और इसके साथ वापस? दरअसल बात ही कुछ ऐसी, इसीलिए सबके सामने बोलने में घबरा रही है। मैं आप सबको बताता हूँ, मुंगी गांव के दाई माँ के पास गई थी अपना बच्चा गिराने के लिए। अगर मुझे वहां पहुंचने में थोड़ा भी वक्त लग जाता ना, तो इसके पेट में पल रहा बच्चा जिंदा नहीं होता। एक अजन्मे बच्चे को मारना कितना बड़ा पाप है, आप सभी लोग जानते हैं।
इस बच्चे पर ना केवल इसका बल्कि इसके पिता का भी उतना ही अधिकार है। इसे कह दीजिए अगर बच्चा इसे नहीं रखना है तो अपने पिता को दे दे, वो पालेगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ मुंगी, अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए ना तो इसे मुझे दे दो, मैं मेरा बच्चा पालूंगा। इसे मारने की जरूरत नहीं, मैं अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकता। किस अधिकार से बोल रहे हैं कि ये तेरा बच्चा है? एक पिता होने के अधिकार से मैं ये बोल रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरा मुंगी से शादी का रिश्ता नहीं है, पर एक प्यार का संबंध तो है। मुंगी को मेरे साथ रहना या नहीं ये उसकी मर्जी, लेकिन बच्चे के मामले में मैं इसकी मर्जी नहीं चलने दूंगा। ये बच्चा मेरा है और मेरी भी जिम्मेदारी है। कोई रिश्ता नहीं है तेरा इस परिवार के साथ, ना इस बच्चे के साथ। चुपचाप यहां से निकल जा, इससे पहले कि मैं तुझे धक्के मार के निकाल दूं। सही कहा, सच बोलने वाले को ऐसे ही धक्के मार के बाहर निकाला जाता है। मारो जितना मारना है मारो, पर मैं अपने बच्चे को इस तरह मरने नहीं दूंगा। आप सभी लोग बताइए कि क्या गलत कह रहा हूं मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं हाथ जोड़कर अपनी गलती स्वीकार करता हूं। बच्चा चाहे शादी के पहले हो या शादी के बाद, उसे इस तरह मारना कानून और इंसाफ दोनों के खिलाफ। मेरी आप सभी लोगों से विनती, मुझे मेरा बच्चा दिला दीजिए, वरना ये लोग सब मिलकर मेरे बच्चे को मार डालेंगे। बस बस बहुत है वह, कदाच भूली गयो छे कि तू धर्मराज मैया वंशी के घर में खड़ा है। मने इस घर के साथ हवे तेरा कोई संबंध नहीं ने कोई अधिकार नहीं है तेरा इस घर पे, समझो? पण मालिक इसकी बात बिल्कुल सही है, एक अजन्मे संतान को मारना बहुत बड़ा अपराध है। और जब ये कह रहा है कि बच्चा इसका है तो बस बस बहुत है वह, मेरे घरेलू मामले में पढ़ने का अधिकार किसी को मैंने दिया नहीं, तुझे भी नहीं। अबे जाता है यहाँ से कि फिकवाऊ बाहर। आप तो मुखिया है इस गांव के, हर घर को अपना ही घर समझते हैं आप, सभी के साथ न्याय करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो अमीर हो या गरीब। तो फिर मेरे साथ भी न्याय कीजिए ना। पर आप क्या न्याय करेंगे एक बिन ब्याही माँ को अपने घर पर रखकर? आप खुद इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं। मेरे निर्णय मेरे न्याय को ललकार रहा है तू? रखा है मैंने बिन ब्याही माँ को घर में, पड़ोस बिन ब्याही छोकरी को माँ बनाने वाला तू है, भूल तो नहीं? न्याय नहीं बात करे छे, जा जा यहाँ थी ना, जो करते बनता है कर ले, मैं खड़ा हूं यहाँ। मेरे साथ न्याय नहीं कर रहे, आप सबको मेरा साथ देना होगा।